डेल G15 में आपके एलियनवेयर कमांड सेंटर आपको नहीं दिख रहा है या फिर अगर है भी तो सही से काम नहीं कर रहा है तो उसे रीइंस्टॉल कैसे करें, इस वीडियो में हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है हर्षित एंड आई एम अ फोर्थ ईयर अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट विथ टेक्निकल बैकग्राउंड। और इस चैनल पे हम बात करते हैं अबाउट गैजेट्स, टेक्नोलॉजीज एंड समटाइम्स लैपटॉप्स के बारे में भी बात करते हैं लाइक दिस वीडियो। सो मेक श्योर टू सब्सक्राइब। सिंपल से कंप्यूटर की स्क्रीन में चलेंगे और मैं आपको बताऊंगा, सर्च करिए आप सिंपल से ऐड एंड रिमूव प्रोग्राम, इसे ओपन कर लीजिए। यहाँ पे आपको सर्च करना है एलियनवेयर कमांड सेंटर। ये रहा हमारा एलियनवेयर कमांड सेंटर। यहाँ पे आपको 3 डॉट्स पे क्लिक करना है और यहाँ पे एडवांस ऑप्शंस में चले जाना है। यहाँ पे नीचे आएंगे ना तो आपको यहाँ पे रीसेट पे देखेगा ऑप्शन, यहाँ पे रिपेयर का, यहाँ पे 2 ऑप्शन आपको रिपेयर और रीसेट के देखने को मिल रहे हैं। अगर आपका इस रिपेयर बटन से करने के बाद भी नहीं सही होता है, आपको पहले तो ये अप्लाई करना है रिपेयर का और रीसेट करना है। अगर इससे भी आपका सही नहीं होता है, मान लीजिए आपका ऐप ही नहीं आ रहा है, वो तो मैं आपको बताऊंगा कैसे इंस्टॉल करना है, लेकिन अगर आपके पास ऐप है फिर भी आपका ये काम नहीं कर रहा है सही से, तो उसके लिए आप इसे रिपेयर और रीसेट कर सकते हैं। उसके बाद भी नहीं काम कर रहा है तो जस्ट अनइंस्टॉल दिस ऐप, अनइंस्टॉल करिए इसको, बहुत ही ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, इसे हम फिर से इंस्टॉल करेंगे। सो एज यू कैन सी यहाँ पे ये गायब हो गया, मतलब कि ये अपना अनइंस्टॉल हो गया एलिमेंट कमांड सेंटर। नाउ ओपन फाइल एक्सप्लोरर, बिकॉज यहाँ पे हमको उसकी फाइल्स को भी डिलीट करना है। फाइल एक्सप्लोरर खोलने के बाद आपको ये चीज़ टाइप करके इंटर प्रेस कर देना है। और यहाँ पे आपको अगर कोई भी अगर एलियनवेयर की यहाँ पे फोल्डर आपको देखने को मिलता है अनइंस्टॉल के बाद, तो यहाँ पे आपको वो चीज डिलीट कर देना है। फिलहाल हमारे पास कोई भी ऐसा फोल्डर नहीं है तो हम अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलेंगे। अब सेम जगह आपको टाइप करना है प्रोग्राम डेटा, ये सेम चीज टाइप करके आपको इंटर प्रेस कर देना है। और यहाँ पे जितने भी आपको एलियनवेयर के फोल्डर दिख रहे हैं उसे आपको डिलीट कर देना है। यहाँ पे मेरे पास एक एलियनवेयर का फोल्डर है, इसे हम सिर्फ डिलीट करेंगे और यहाँ पे डिलीट कर देंगे, कंटिन्यू करेंगे, परमिशन देंगे और यहाँ पे हमारा वो फोल्डर डिलीट हो गया है। नाउ आपको अब क्या करना है, सिंपल से अपने प्रोग्राम फाइल्स वाले फोल्डर में चले जाना है, जो कि आपको अपने जो विंडोज भी आपने इंस्टॉल किया है जैसे कि सी ड्राइव, वहां पे जाके प्रोग्राम फाइल्स में जाके आपको ये एलियनवेयर का फोल्डर को खोल लेना है। इसे खोलने के बाद यहाँ पे आपको जो एलियनवेयर कमांड सेंटर लिखा हुआ है फोल्डर है, बस आपको इसको डिलीट कर देना है। तो मैंने यहाँ पे सिर्फ डिलीट करके इंटर कर दिया। नाउ अब आपको रजिस्ट्री एडिट करना है, उसके लिए आप रजिस्ट्री एडिट सर्च करोगे तो आपको रजिस्ट्री एडिटर आ जाएगा, इसे आप ओपन कर लो। नाउ ये खुलने के बाद आपको यहाँ पे लोकल मशीन वाले फोल्डर में चले जाना है और यहाँ पे आपको सॉफ्टवेयर वाले फोल्डर में खोल के चले जाना है, ठीक है। यहाँ पे आपको एलियनवेयर का फोल्डर मिलेगा, इसे आपको खोल लेना है और यहाँ पे आपको ये दोनों जो फोल्डर है ना इसे आपको डिलीट कर देना है, ये सीसी कंपोनेंट्स वाला और ये कमांड सेंटर वाला। तो इसे हम राइट क्लिक करेंगे, डिलीट पे दबाएंगे और यहाँ से मैं डिलीट करने वाला हूँ, और इसे भी राइट क्लिक करेंगे, डिलीट पे दबाएंगे और ये डिलीट करने वाला। तो ये दोनों चीज़ें हमारी डिलीट हो गई हैं। अब आपको सिंपली थोड़ा सा नीचे आना है और नीचे आके आपको यहाँ पे दिखेगा WOW6432 नोड, इसे आपको ओपन कर लेना है। और अगर आपको यहाँ पे कोई भी एलियनवेयर का यहाँ पे फोल्डर दिखता है तो आप उसे डिलीट कर सकते हो। फिलहाल हमें कोई भी ऐसा कोई फोल्डर यहाँ पे देखने को नहीं मिल रहा है तो हम इसे बस लीव कर देंगे। नाउ अब जाके हमारा एलियनवेयर जो है कम्प्लीटली हमारे कंप्यूटर से रिमूव हो गया है, अब हमें इसे इंस्टॉल करना है। सो दिस इज मी आफ्टर 2 डेज ऑफ दैट वीडियो जो अभी आप जस्ट देख के हटे हो। अभी मैं आपको बता दूं कुछ सीन हो गए भाई, कि जब मैं इंस्टॉल कर रहा था ना तो मुझे भी प्रॉब्लम फेस हुई एलियनवेयर कमांड सेंटर को इंस्टॉल करने में, और मैं आपको वो चीज़ बताना चाहता हूँ जिसकी मदद से आप एकदम करेक्टली एलियनवेयर कमांड सेंटर फिक्स कर पाओगे। बिकॉज मुझे 2 दिन लग गए ऐसे प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करने के लिए, लेकिन मैं रुका भाई आप लोग के लिए। तो अभी भाई सुनो, आप जैसे प्रोसेस जो मैंने बताया वो अनइंस्टॉल का प्रोसेस तो आप करोगे ही करोगे जो आप अभी देखे हो वीडियो में, लेकिन आपको इंस्टॉल का प्रोसेस जो है वो मैं जो बताने वाला हूँ वही करना। बिकॉज डेल के सपोर्ट टीम से भी मैंने बात की भाई, उन्हें भी नहीं पता है ये चीज़ कैसे उन्हें इंस्टॉल करना है, मुझे पूरे 2 दिन लग गए फिगर आउट करने में। और एक्चुअली मेरा एलियनवेयर कमांड सेंटर अब एकदम परफेक्टली काम कर रहा है, जो कि मैं आपको दिखा देता हूँ। तो देखिए ये मेरी स्क्रीन है भाई, अब एलियनवेयर अगर मैं सर्च करूं और अब इंटर करूं तो देखिए ये एलियनवेयर कम्प्लीटली अच्छे से खुल रहा है। हाँ अभी डाउनलोड बाकी है, मैं इसे डाउनलोड करूंगा। तो देख सकते हो आप लोग, ये कम्प्लीटली खुल गया है और अच्छे से काम कर रहा है, सारे फ्यूजन के सेक्शंस मुझे दिख रहे हैं और सब कुछ मुझे देखो देखने को मिल रहा है यहाँ पे। तो भाई अभी अपडेट ये अवेलेबल है, वो मैं अपडेट कर लूंगा अभी इंटरनेट लगा के। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि क्या हुआ ना, कि आप कभी भी इंस्टॉल करोगे उनके ड्राइवर से तो कई लोगों का भाई इंस्टॉल नहीं होने वाला है। मैं कम्प्लीटली आपको सही तरीका बताने वाला हूँ कि आपको करना क्या है एग्जैक्टली। तो अभी तक मैं जो प्रोसेस फॉलो कर रहा था ना, वो आप लोगों को भी जो बता रहा था वो था कि भाई इनके डेल सपोर्ट वेबसाइट पे जाओ और इनका जो एलियनवेयर कमांड सेंटर का एप्लीकेशन है वो डाउनलोड करो, उसे इंस्टॉल करो। लेकिन एक्चुअली उससे एक एरर ही जनरेट हो रहा है बार बार, विजार्ड वाला, कि वो विजार्ड
नट कहीं से यार इंटरप्ट हो जा रहा है, वो स्क्रीन कहीं से इंटरप्ट हो जा रही है, तो उसका जो बेटर वे है ना जो आपको इंस्टॉल होगा वो मैं आज बताने वाला हूँ आपको। तो सिंपली आपको क्या करना है, इनकी वेबसाइट पे चले जाना है। अभी आपने अनइंस्टॉल कर दिया कम्प्लीटली, मेरा जो प्रोसेस मैंने आपको बताया वो प्रोसेस से आपको अनइंस्टॉल करना है कम्प्लीटली भाई, अनइंस्टॉल कर देना है, कोई भी एक पार्ट भी नहीं रहना चाहिए। और आपको क्या करना है, सिंपली अपना जो यहाँ पे ड्राइवर्स एंड डाउनलोड्स है ये आपको खोल लेना है, और आपको यहाँ से तीन चीजें डाउनलोड करनी है। हाँ, तीन चीजें, मैं आपको पहले एक ही तरीका बता रहा था एक ही चीज डाउनलोड करने का, जो कि था एलियनवेयर कमांड सेंटर एप्लीकेशन, लेकिन आपको इसके साथ साथ दो चीजें और डाउनलोड करनी है। वो दो चीजें क्या है वो मैं आपको बता दूं। तो यहाँ पे आपको लिखना है फ्यूजन, तो ये जो फ्यूजन सर्विस है ना ये आपको एक डाउनलोड करना है, ये आप दूसरा वाला डाउनलोड कर लो। उसके बाद आपको एलियनवेयर का एक और चीज डाउनलोड करना है, देखो ये एलियनवेयर ओसी कंट्रोल एप्लीकेशन है ना, ये भी आपको डाउनलोड करना है। तो भाई देखो तीन चीज डाउनलोड करने हैं, एलियनवेयर ओसी कंट्रोल, एक फ्यूजन सर्विस और एक एलियनवेयर कमांड सेंटर एप्लीकेशन। ये तीन चीज आपको पहले तो डाउनलोड कर लेने हैं भाई। देखो मैं आपको एलियनवेयर कमांड सेंटर एप्लीकेशन का नीचे लिंक दे दूंगा, वहां पे आप क्लिक करेंगे तो आपको एक वेबसाइट खुलेगी, यही डेल की वेबसाइट खुलेगी, उसमें करीब 900 MB या 1 GB का यहाँ पे आसपास वो रहेगा फाइल, तो आप उसे डाउनलोड कर लेना, और उसके बाद आपको फ्यूजन सर्विस और ये डाउनलोड कर लेना है। ठीक है, इतना आप काम पहले कर लो, फिर ये देखो वीडियो में अब मैं आपको क्या बताने वाला हूँ, प्रोसेस को सही से फॉलो करो गाइस, बिकॉज मेरा नहीं हुआ था और काफ़ी लोगों का नहीं होने वाला है, तो बहुत ही ध्यान से प्रोसेस फॉलो करना। जब डाउनलोड आप कर लोगे एलियनवेयर कमांड सेंटर का, जो मैंने एप्लीकेशन का लिंक दिया है वो डाउनलोड कर लेना, और उसके साथ साथ फ्यूजन और अपना ये जो एलियनवेयर ओसी कंट्रोल, ये तीन चीज़ डाउनलोड कर लिए। अब आपको क्या करना है, उस एलियनवेयर कमांड सेंटर के एप्लीकेशन को जब आप क्लिक करके ओपन करोगे ना, तो यहाँ पे आपको दिखा दूँ मैं, तो ये देख रहे हो आप लोगों को दो ऑप्शन आ रहा है, एक इंस्टॉल का आ रहा है, एक एक्सट्रैक्ट का आ रहा है। तो आप ध्यान रखो भाई कि ये आपको एक्सट्रैक्ट करना है। ठीक है, अभी ये आप इस पे ध्यान मत देना वर्जन पे, ये मैंने गलत वाला अभी प्ले किया, जस्ट आपको शो करने के लिए किया है। जो आप डाउनलोड करोगे लिंक में ना, वो ये वर्जन नहीं रहेगा, वो पुराना वर्जन रहेगा थोड़ा, ताकि मतलब आप इंस्टॉल करके अपडेट कर लोगे भाई, लेकिन जब अगर इंस्टॉल ही नहीं हुआ तो भाई फायदा क्या है। तो मतलब आपको यहाँ पे एक्सट्रैक्ट करना है, अब एक्सट्रैक्ट करोगे तो आपको एक फोल्डर सेलेक्ट करना है जिसमें आपको एक्सट्रैक्ट करना है। तो मैंने यहाँ पे AWCC न्यू नाम का फोल्डर बना लिया और यहाँ पे मैंने एक्सट्रैक्ट कर लिया, देखो आप लोग ये चीज़ें मैंने एक्सट्रैक्ट की हुई हैं। तो आपको ये एक्सट्रैक्ट कर लो, और उसके बाद क्या करो, आप इसके साथ साथ जो दो चीज़ें बाकी बची हुई हैं, एलियनवेयर ओसी कंट्रोल, एलियनवेयर ओसी कंट्रोल को भी आप एक्सट्रैक्ट करो इसी तरह, और फ्यूजन को भी आपको इस तरह एक्सट्रैक्ट कर लेना है। ठीक है, जब ये तीनों चीज़ आपकी एक्सट्रैक्ट हो जाए भाई, तो आप सिंपली क्या करो, एलियनवेयर जो भी आपने मतलब फोल्डर बना के अपना एक्सट्रैक्ट किया है उस पे सेटअप पे राइट क्लिक करो और रन एज एडमिनिस्ट्रेटर कर दो। तो यहाँ पे रन एज एडमिनिस्ट्रेटर है, बस इस पे आपको रन करना है और उसको इंस्टॉल कर लेना है। सिंपली आप इंस्टॉल कर लो, कोई दिक्कत नहीं होगी, ये एप्लीकेशन वहाँ पे इंस्टॉल हो जाएगी, इसे इंस्टॉल करने में कोई दिक्कत नहीं आने वाली। ठीक है, इंस्टॉल हो गया, अब कुछ मत खोलो, लिटरली अभी आपको कुछ नहीं खोलना है, खोल लोगे तो खराब हो जाएगा, तो भाई खोलना नहीं है इसमें कोई भी चीज। अब आपको फ्यूजन को इंस्टॉल करना है, फ्यूजन सर्विस को आप यहाँ पे जो एक्सट्रैक्ट किया आपने इसे इंस्टॉल करो। इसे इंस्टॉल करने के बाद आप सिंपली जाओ ओसी कंट्रोल पे, अब आपको ओसी कंट्रोल को इंस्टॉल करना है। ठीक है, ये तीन स्टेप फॉलो कर लो, ये तीनों को इंस्टॉल कर लो, उसके बाद जाके आपको कंप्यूटर को एक बार करना है रीस्टार्ट। अब इस रीस्टार्ट के बाद आपको सिंपली यार एलियनवेयर कमांड सेंटर को खोल लेना है भाई। जब भी आप खोलोगे एलियन कमांड सेंटर नए में, जो ये घूमेगा, ये पक्का लोड लेगा उसी तरह, मतलब ऐसे ऐसे घूमेगा, उसमें लोड लेगा, और इसमें हो सकता है अपडेट के लिए आपको बोले कुछ चीज़ें बोले, तो आप उसको छोड़ दो, उस तरह से होने दो, क्योंकि ये होता है, थोड़ा सा लोड लेगा, उसके बाद फिर अपना ये ओपन हो जाएगा। अगर इनकेस फ्यूजर सेक्शन में ये चीजें नहीं दिखा रही है ना, तो थोड़ा देर वेट करो, ये दिखाएगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा, बट ये अपडेट के बाद आपको सब कुछ सही होके मिल जाता है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली आपको। तो मैंने जो प्रोसेस बताया ना, बस उसको फॉलो करो, बहुत ही ईजी प्रोसेस और बहुत ही वैल्यूएबल ये वीडियो होगी, बिकॉज मैंने बहुत ही ज्यादा रिसर्च की है इसके ऊपर, बहुत ही ज्यादा इधर उधर किया है, मैंने खुद आप लोग के लिए अपना एलियनवेयर इंस्टॉल कर दिया भाई, और खुद दो दिन तक परेशान रहूं कि एलियनवेयर कमांड सेंटर कैसे यार इंस्टॉल करें, बिकॉज इसके बिना ना तुम्हारा जी बटन नहीं काम करने वाला, तुम्हारा फैन की स्पीड नहीं बढ़ेगी, तुम्हारा लैपटॉप ओवरहीट होने वाला है, बहुत सारी दिक्कतें आती है। अब देखो जी बटन दबाऊंगा तो ये जी बटन ऊपर रजिस्टर कर ले रहा है, और ये अपना जी बटन इनेबल हो गया, जी मोड अपना इनेबल हो गया, और फैन की स्पीड इसमें मतलब बढ़ जाती है, तो सब कुछ यार बढ़िया से काम कर रहा है। जैसे कि देख लो यहाँ पे फैन स्पीड बढ़ रही है, आपको लाइव में दिखा रहा हूँ कि ये सब कुछ बढ़िया से काम कर रहा है। सो आई होप गाइज आपको ये चीजें क्लियर हो गई होंगी, भाई मेरा काफी एफर्ट लगा इस वीडियो में। अब भाई काफी लोग सोचते हैं भाई बहुत रिच है, इतना बढ़िया क्वालिटी आ रहा है, इतना लाइटिंग वाइटिंग लगाया है, माइक लगाया है, लैपटॉप लगाया है, तो भाई नहीं, बहुत ही मेहनत से मैंने ये चीज़ें डेवलप की है। काफ़ी लोग यार यही सोच के यार वीडियो देखते हो और फिर चले जाते हो, तो भाई नहीं, आप लोग की बहुत सपोर्ट की ज़रूरत है। आप लोग सब्सक्राइब करो, इस वीडियो को शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, और आगे वीडियोस आने वाली हैं उसमें भी देखो, पार्टिसिपेट करो, बिकॉज
बहुत सारी चीजें जो आप अभी देख रहे हो ये करने में मुझे 4-5 साल लग चुके हैं। अगर आप मेरा चैनल उठा के देखोगे ना तो मैंने बहुत सारी वीडियोस हाइड कर दी हैं, लेकिन फिर भी आपको दिख जाएगा कि भाई 5 साल से मैं इस चैनल पे मतलब कंटिन्यूस अपलोड कर रहा हूँ। और मेरा मकसद कोई भी पैसा कमाने का नहीं है, चैनल से जो पैसा आता है वो साल में एक बार और 7-8 हज़ार रुपये साल में एक बार आते हैं, जो कि यार इलेक्ट्रिसिटी से भी कम, मतलब वो इलेक्ट्रिसिटी में भाई चला जाएगा, इतने लाइट्स लगाने में, कैमरा लगाने में भाई जितने खर्चे हुए ना आज तक कभी कवर नहीं हुए। तो ये चैनल भाई पैसे के लिए तो मैंने खोला ही नहीं, स्पॉन्सरशिप तो मैं ऐसे निगलेक्ट कर देता हूँ, बहुत ही चुन चुन के स्पॉन्सरशिप लेता हूँ, गलती से एकाक स्पॉन्सरशिप बहुत ही मुश्किल से मिल जाते हैं, बाकी मैं सबको रिजेक्ट कर देता हूँ। प्रोडक्ट्स के वीडियोज भी आप देख रहे हो इसमें हमें कम आ रहे हैं, क्योंकि मैं नहीं चाहता भाई आप लोग को कोई चीज सामान ऐसा चिपका दूं कि आपका पैसा वेस्ट हो जाए। देखो मैंने भी पैसे जुटा जुटा के काफी सारे सामान लिए, TWS लिए हैं, अभी मेरे पास 3-3, 4-4 TWS है, ईयरफोन हेडफोन्स है, लेकिन पहले नहीं थे भाई, पहले एकदम नहीं थे। तो मतलब मैंने भी काफी चीजें आपकी तरह देखी है, आप स्टूडेंट लाइफ के बारे में मैं जानता हूँ कि आप लोग कैसे पैसा कलेक्ट करते हो, तो मैं कुछ भी आप लोग को चिपकाने की कभी कोशिश नहीं करता हूँ, हमेशा आपको वैल्यूज देने की कोशिश कर रहा हूँ। तो इस चैनल को जरूर सपोर्ट करिए, मैं जानता हूँ प्रोडक्ट की वीडियोस अभी आने लगेंगी ना तो अभी ये चैनल बहुत तेजी से ग्रो हो जाएगा, बट आप समझिए बात को कि मैं क्या करने की कोशिश कर रहा हूँ। एक कम्युनिटी जो थी 3-4 साल पहले ना, उसको मैं यार प्रिजर्व करने की कोशिश कर रहा हूँ, और मैं चाहता हूँ कि ऐसे आगे और वीडियोस ना आए, मतलब कि जिसमें मैं ऐसी बातें करूँ। आपको मैं यही बताना चाहता हूँ कि यार जरूर से सपोर्ट करिए चैनल को, बहुत ही मेहनत लगती है, ये सारे सेटअप्स को मैं हर वीडियो में करना पड़ता है मुझे, और ये जो फोकसिंग डिस्टेंस है ये सब कुछ मुझे सेट करना पड़ता है हर वीडियो में। आप जरूर से चैनल को सपोर्ट करिए गाइस। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो, एंड इफ यू लाइक यू विल लाइक दिस वीडियो एज वेल, जिसमें मैंने आपको बताया है कि एलियनवेयर कमांड सेंटर को आप डिटेल्ड में कैसे यूज कर सकते हैं, क्या क्या चीजें इसमें आपको देखने को मिलती है। और साथ ही साथ मैं रिकमेंड करना चाहूंगा आपको ये प्लेलिस्ट, जिसमें मैंने आपको डेली 15 के हर वो सवाल के जवाब दिए हैं जो आप पूछना चाहते हो, तो जरूर से इस प्लेलिस्ट को भी देखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू ऑल लेटर।